हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आप इंग्लिश में आर्टिकुलेट होना चाहते हो, फ्लुएंट होना चाहते हो, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो एक बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस कर लो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों प्रेस कर लूँ बेल आइकॉन, क्यों सब्सक्राइब कर लूँ मैं आपका चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बिलीव मी माई डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ जिससे बिगनर्स जो होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी आर्टिकुलेट इन दिस लैंग्वेज। इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी अभी स्टार्ट की है, वो इजीली सीख ले। तो आपको ये फायदा होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। आपको चाहिए कि वीडियो के नोटिफिकेशन मुझे कैसे मिलेंगे, तो उसी के लिए बोला जाता है प्रेस द बेल आइकॉन। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएंगे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये पूछा कि मैम, मैं इंग्लिश में आर्टिकुलेट होना चाहता हूँ, फ्लुएंट होना चाहती हूँ, तो मैं कैसे हूँ। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि ओके, टेल मी, ऑनेस्टली टेल मी, हाउ मेनी वीडियो डू यू वॉच इन अ डे रिलेटेड टू इंग्लिश। देन दे सेड टू मी, मैम आई वॉन्ट टू वॉच बट आई डोंट हैव टाइम। मीन्स वो देखना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि मैं स्टूडेंट्स हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ लोगों ने कहा मैं जॉब करता हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, अनदर सोशल मीडिया, दे सेड यस मैम। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इट मीन्स यू हैव टाइम। देन वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस दैट आई डोंट हैव टाइम। आपके पास टाइम है, नॉट आपके पास, एवरीवन हैज टाइम, दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज देयर टाइम। अगर आप इंग्लिश में सच में आर्टिकुलेट होना चाहते हो, फ्लुएंट होना चाहते हो, देन यू मस्ट वॉच वन वीडियो रिलेटेड टू इंग्लिश। अगर आप अदर सोशल मीडिया को यूज करते हो, यूज करो, बट कम से कम एक वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड तो आपको डेली देखना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा कि आप जो भी वीडियो देखोगे, वीडियो में जो भी सीखोगे उसको आप इम्प्लीमेंट करो। तो इससे क्या होगा कि ग्रेजुअली योर इंग्लिश विल बी इनहेंस डे बाय डे। सपोज दैट टुमारो इज योर इंग्लिश पेपर एंड टुडे यू आर प्रिपेयरिंग ऑफ हिस्ट्री, दैट व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश में आर्टिकुलेट होना है तो क्यों ना आप इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो दे। सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट तो होना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास फैमिली में, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं, मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूँ। तो ये सबके लिए है जो मैं बताने जा रही हूँ, सभी लोग फॉलो करो, सभी को ये काम आएगा। जो फैमिली मेम्बर, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, देन यू कैन टॉक योर सेल्फ। साउंड्स लाइक क्रेजी कि ये क्या बोल रही हैं, खुद से कैसे बात करें। हाँ, खुद से बात कर सकते हो, खुद से हम किसी की मिमिक्री करते हैं ना, नकल करते हैं किसी का, तो वैसे ही इंग्लिश में भी हम कर सकते हैं। सपोज दैट यू आर सिटिंग अलोन इन योर रूम, दैट टाइम आप इंग्लिश में टूटी फूटी इन कॉकनी टोन, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। अगर आप बोलोगे तभी तो आपको इंग्लिश आएगी बोलना। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। डोंट मेक एक्सक्यूज, आपके पास टाइम नहीं होता तो आप सोशल मीडिया कैसे यूज़ कर रहे हैं। फटाफट स्क्रॉल किए जा रहे हैं, वीडियो ये वीडियो, नहीं नहीं ये वीडियो, तो ऐसे क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ आप लर्न नहीं कर सकते हो। यू हैव टू डिसाइड, वन डे आई विल वॉच वन वीडियो रिलेटेड टू इंग्लिश। आप फटाफट स्क्रॉल किए जा रहे हो, सोशल मीडिया पे हो या यूट्यूब पे हो, फटाफट स्क्रॉल किए जा रहे, ये भी वीडियो देख लूँ, ये भी वीडियो देख लूँ, इससे भी सीख लूँ, उससे भी सीख लूँ, कुछ भी नहीं सीखेंगे। इससे अच्छा है एक वीडियो देखिए, जो भी सीखते हैं अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करिए। अगर आप कुछ भूलते हैं फिर से वीडियो देखिए, फिर से रिपीट करिए, फिर से बोलने की कोशिश करिए। और आपको अगर कोई भी इंग्लिश रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अगर आप सोल्यूशन चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, स्पीक इन इंग्लिश। बाय बाय।